सत श्री अकाल सारिआं नूं, मैं जसमीत भाटिया। लैंडमार्क इमीग्रेशन तो और जिमें कि रोज़ मेरी कोशिश होंदी है स्टूडेंट्स नाल कोई टॉपिक इदां दा डिस्कस किया जाए जिहदे नाल उन्हां नूं पहली गल तां पॉजिटिव रखिया जा सके। दूसरी चीज़ है पैंडमिक दे दौरान बहुत सारिया नैगेटिव गल्लां साडे दिमाग च आउंदियां, जिमें पहली गल तां काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इदां दे आ जिन्हां दे AIPs हले पेंडिंग हैगे आ और उन्होंने दिमाग चाहता कि सानू AIP मिलेगा, सानू रिफ्यूजल आएगी, वॉट विल बी द रिजल्ट, वॉट विल बी द आउटकम ऑन माई फाइल। सो मैं स्टूडेंट्स को दसना चाहना कि दे शुड बी राइट नाउ थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट द रिजल्ट, वॉट एवर इट विल बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड दूसरी चीज़ मैं सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहवा कि दो पहलू होंगे हमेशा ही लाइफ, वन इज़ गुड वन इज़ बैड, बट जो बैड सिचुएशन होंगी है दैट मेक्स अस स्ट्रोंगर। सो यू शुड नॉट फील नैगेटिव एंड थिंक अबाउट सम नैगेटिव थिंग्स इफ यू गॉट अ रिफ्यूजल। स्पैशली मैं उन्होंने सारे स्टूडेंट्स ने कहना चाहना कि देखो COVID-19 के दौरान बहुत सारिया फाइलों कैनेडा हाई कमीशन च पेंडिंग से, बहुत सारे बच्चों अप्रूवल्स मिली, जिमें कि तुम लाइव शो के दौरान देखा ही होना कि बहुत सारे बच्चे इदा दे जो कमेंट करते हैं कि उन्होंने अप्रूवल इन प्रिंसीपल आ चुकी है, और कुछ स्टूडेंट इदा के भी है जिन्होंने रिफ्यूजल का सामना करना पे। सो लैट सपोज यू गॉट अ रिफ्यूजल एंड यू आर फीलिंग लिटिल डीमोटिवेटेड एंड यू थिंक दैट तुम सारी मेहनत की, प्लान किया, ड्रीम किया एंड पैसे जमा कराए, यू वर एलिजिबल एंड यू गॉट रिफ्यूजल। सो आई विल टेल यू ड्यूरिंग दिस पैंडमिक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अप एंड डाउन। सो जे तुम रिफ्यूजल आ गई है प्लीज़ रीफाइल योर केस इफ यू हैव अप्लाइड इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, रीफाइल योर केस इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट तुम सही कॉलेज चूज किया, सही कोर्स चूज किया, एंड रीफाइल योर केस इफ यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर कंसल्टेंट एंड यू मस्ट रीफाइल योर केस। एंड जे तुम लगता है कि तुहाडे फाइल च कोई कमी पेशी सी, दैन यू कैन आस्क फॉर अ सैकेंड ओपीनियन। एंड जिन्ना स्टूडेंट्स नू अप्रूवल्स मिल चुकी हैं उन्होंने मैं दसना चाहवागा कि देर आर दे उन्होंने अप्रूवल्स मिल चुकी हैं, दे शुड टेक इट वेरी सीरियसली, दे शुड स्टार्ट अटेंडिंग देयर ऑनलाइन क्लासेस, दे शुड फॉलो द रूल्स एंड गाइडलाइंस सेट बाय कैनेडा हाई कमीशन एंड सूनर और लेटर दे विल बी रीचिंग कैनेडा। नॉर्मल फ्लाइट्स विल बी रिज्यूमिंग वेरी सून, मे बी 1 month, 2 months, 3 months, दैट्स इट। You have your life ahead. Don't worry for 2-3 months. We have to be safe. The world has to be safe. देखो आप 2 साल की पढ़ाई करनी है तो अगले 3 साल का वर्क परमिट है और सारी जिंदगी की सैटलमेंट है। जो 2-4 महीने असी इंडिया च कट लाँगे तो मेरे हिसाब न स्टूडेंट्स न इस चीज़ में भी पॉजिटिव रहना चाहिए कि दे आर सेफ विद देयर फैमिली, दे आर स्टेइंग विद देयर फैमिली, दे आर सेविंग लॉट ऑफ मनी, they are saving their accommodation, they are saving everything, because if tusi canada pahunch jande ho aur canada pahunch ke je tanu part time jobs nahi mildiyan then you will be finishing up your gic। so je tusi india baithe ho tade gic de paise safe pe hain canada ch, tanu aip mil gaya, you can start your online studies staying at home, staying with your parents and keeping safe। On the other hand, if you reach Canada, you still have to attend online classes. तुहानू उत्थे जाके भी online classes ही लगानियां पैनियां and तुहाडे parents नू वरी रहेगी you are safe or not। तुहानू खर्चा dollars च करना पेगा accommodation का भी, खान पीन का भी, which is approximately $1,000 to $1,500, मतलब 55,000 तो 80,000 रुपये का महीने का खर्चा है स्टूडेंट के रहन का। एंड इफ यू डोंट गैट अ पार्ट टाइम जॉब, यू आर स्टडिंग ऑनलाइन, तो तुम अपने GIC के पैसे खत्म करोगे। सो वैन यू आर स्टेइंग इन इंडिया आई फील यू आर सेविंग लॉट ऑफ मनी, यू विल बी ट्रैवलिंग, सो वेरी सून ऑल द फ्लाइट्स विल रिज्यूम, आई एम अशोरिंग यू। बट 2-3 महीने लग सकते हैं इस चीज़ से, कभी भी ओपन हो सकती हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री से बहुत प्रेशर है, इकोनमीज से बहुत प्रेशर है, होटल इंडस्ट्री से बहुत प्रेशर है, ट्रैवल इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, गवर्नमेंट्स से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बट वी सारे ये सोच के नहीं ये कर रहे कि लोग सेफ रह सकन, मतलब जो पॉपुलेशन है दैट इज सेफ। सो मैं सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहवागा, सो राइट नाउ इज द सिचुएशन दैट
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਇਨ ਦ ਫੇਵਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਐਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ AIP ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਹੋ। ਐਂਡ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਐਂਡ ਅਸੈਸ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਫਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਲਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਗਾਈਡ ਯੂ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫੋਰ ਰੀਫਾਈਲਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਕਾਲਜ ਓਨਲੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਸਮ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਵੀ ਵਿਲ ਗਾਈਡ ਯੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਆਰ ਨੰਬਰ, ਇਟਸ 9041390412, ਆਰ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਇਜ info@landmarkimmigration.com, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਈਮੇਲ ਮੀ ਐਟ info@landmarkimmigration.com, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ me to assess your profile, or if you want to meet me in my office, book an appointment with me, I will surely meet you, guide you accordingly. And in this pandemic situation, in this situation tuhanu pata Punjab ch bhi cases vadde ja rahe ne, so that is why the lockdown has come back on Saturdays and Sundays. And in this situation we have to be very strong, we have to be strong minded. And je tuhanu bahar janda tusi sapna dekhya oh tusi zarur pura karoge, you will reach your destination. Think positive and you have to think that ki assi research kariye ki kede shehar assi jana chahne ha, utthe da living cost kiddan da, kharcha kiddan da, so do search about these things. So thank you so much for liking my videos and watching our YouTube channel, and if you want any assistance or if you want me to discuss any topic, you can email me and I will make a video on that topic. Thank you.